अजान और चालीसा विवाद के बाद पड़ोसी राज्य दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और रमजान, अलविदा, ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों को लेकर यूपी सरकार बेहद संजीदा हो चुकी है और चूक का कोई भी मौका नहीं देना चाहती। इसी क्रम में लखनऊ के चौक कोतवाली पहुंचे एसीएस गृह अविनाश कुमार और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार। सीएम योगी के निर्देश के बाद जो तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लखनऊ चौक कोतवाली की तस्वीर है जहां पर जो तमाम शासन के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी है यहां पर समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे हुए थे। तकरीबन 40 मिनट तक यहां पर समीक्षा हुई और इस समीक्षा में रिव्यू किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे बेहतर किया जा सकता है और साथ में जो तमाम कोशिशें हो रही हैं उसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है। एसीएस गृह अवनीश कुमार और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने अधिकारियों संग बैठक की और तय किया कि किसी भी कीमत पर सूबे का माहौल बिगड़ने नहीं देना है। शासन के तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी पर्व त्योहार मनाए जाएं और इस संबंध में शासन के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी फील्ड के अफसरों को ये बताया जा चुका है कि इसमें कोई भी विचलन न होने पाए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजामों की समीक्षा की गई, अपराधियों के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को तत्काल खंडन किया जाए, इसके निर्देश दिए गए। एसीएस गृह अविनाश अवस्थी ने कहा कि सूबे में अमन चैन कायम रहे इसके लिए धर्मगुरुओं से लगातार बातचीत भी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट के समक्ष गृह विभाग का निरीक्षण हुआ है, आज पूरी समीक्षा की गई है। कोशिश हमारी ये है कि हर त्यौहार को बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल से मनाया जाए, धर्मगुरुओं से समन्वय स्थापित किया जाए, इसी कड़ी में आज यहाँ मौके पर देखने आए। मौजूदा समय में धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सूबे की फिजा बिगाड़ने की संभावना बनी हुई है, लिहाजा शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सक्रिय है। इस वक्त मेरे साथ थे एसीएस होम अवनीश अवस्थी, जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद क्या कुछ आने वाले समय में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जाने वाली हैं। और देखा जाए तो जो आज समीक्षा बैठक हुई है चौक में, इस बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने से नाराज बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को धमकी दे दी है कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा तो संभाल नहीं पाओगी, रोकना मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार को 10 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि सरकार सुधरी नहीं तो मुसलमान जेल भरो आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला तो उसकी धमक दूर बरेली तक सुनाई पड़ी। घर दिल्ली में गिरे तो दर्द बरेली में उठा और मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को खुलेआम चेतावनी दे डाली कि देश का मुसलमान सड़कों पर उतरा तो हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तौकीर ने जहांगीरपुरी की कार्रवाई को गलत बताते हुए देशद्रोह की नई परिभाषा ही गढ़ दी। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब ये है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिगनी कर रहा है और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। मौलाना सरकार को 10 दिन की मोहलत भी दे रहे हैं जिसके बाद देश के मुसलमान जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ेकार दुरुस्त कर ले वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। मौलाना तौकीर रजा, ये हिंदुस्तान है जो संविधान से चलता है, धमकियों से नहीं। तौकीर रजा, देश धमकी और जिहाद के नारों से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। जहांगीरपुरी में जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं अगर वो नामों की सूची देख लेते तो ऐसी विषैली बातें नहीं बोलते। जेल जाना ही बाकी रह गया क्या मौलाना साहब की नजरों में मुसलमान के लिए? ऐसे काले बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। मौलाना साहब
कौम को सही रास्ते पे ले जाने का काम करें, ना कि कौम को गलत रास्ते पे ले जाएं। महाभारत का मतलब क्या हुआ? युद्ध। युद्ध का मतलब क्या हुआ? कत्लेआम। क्या यही अब उम्मीद रह गई है मौलाना साहब से? देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाता है आप खुद ही अपने बयानों से जाहिर कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों के लिए पहले देश आता है, बाद में उनका धर्म। अब आप तय कर लें कि आपके लिए वरीयता किसकी है। टीम न्यूज़ स्टेशन।